आज जानेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग को कब, क्यों, कैसे और किसने बनाया, ये इंडस्ट्री कोई मजाक नहीं है। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग बिलियंस और ट्रिलियंस का बिजनेस कर चुकी है। आज के समय में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग 10,000 से ज्यादा ऐसे लीडर्स है जो कि करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो हम सोचे ऐसा आइडिया किसको आया होगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बना के रख दिया। तो इसके लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के पास्ट में जाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्टार्टिंग थी वो हो चुकी थी 1886 में, लेकिन जो इसका बिजनेस मॉडल आया वो 1940 के अंदर आया। इस चीज को ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा एवोन कंपनी। एवोन कंपनी दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो कि डोर टू डोर जाकर यानी घर घर जाकर किताबों को सेल करती थी। और जो इसके फाउंडर थे, जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, उनका नाम था डेविड मैकोनेल। शुरुआत में इस कंपनी में प्रोडक्ट के नाम पर किताब थी। उसके बाद में इस कंपनी में परफ्यूम आई तो इन्होंने कंपनी का नाम एवोन से बदलकर कैलिफोर्निया परफ्यूम रख दिया, लेकिन फिर से वही कंपनी का नाम वापस बदलकर एवोन रख दिया। यहाँ से अब नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो फादर बोले जाते हैं, जनक बोले जाते हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग की थी, उनका नाम है डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग। उनका जन्म हुआ था 1887 में, हुआ था अमेरिका में। डॉक्टर रेनबर्ग 1915 से 1927 तक किसी प्रोजेक्ट की वजह से चाइना में रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक चीज को नोटिस किया चाइना के लोगों में। चाइना के लोग खुद की हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थे, जबकि जो अमेरिकन थे वो अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा क्या देखा? उन्होंने देखा जब चाइना के लोग किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई बीमारी होती है, खुद को फिट रखने के लिए जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे। तो इसी पद्धति को उन्होंने 1935 में अपने देश जाकर एक कंपनी की स्टार्टिंग की। उस कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स थे, जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स थे, तो लोगों को इसके प्रोडक्ट बहुत पसंद आए, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगी। तो रेनबर्ग ने एक चीज सोची, इस कंपनी का नाम ब्रांडेड रखा जाए। तब जाकर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट रखा। आप लोग जानते हो न्यूट्रीलाइट, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। जो रेनबर्ग थे उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनके पास लोग तो बहुत थे उनके प्रोडक्ट को चाहने वाले, उनके प्रोडक्ट को यूज करने वाले। अब यहाँ से जाकर स्टार्टिंग होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। 1940 में रेनबर्ग ने एक इनकम का प्लान स्टार्ट किया। जितने भी न्यूट्रीलाइट में डिस्ट्रीब्यूटर थे उन सभी को लेवल इनकम देना स्टार्ट कर दिया। दो लेवल तक उनको इनकम दी जाती थी, जिसकी वजह से हजारों गुना न्यूट्रीलाइट में सेल बढ़ गई। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे न्यूट्रीलाइट कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में घुसने लग गई। तभी जाकर एक कंपनी की स्टार्टिंग होती है, वो कंपनी का नाम शायद हर किसी ने सुन रखा होगा। उस कंपनी का नाम था द अमेरिकन वेज। नहीं सुन रखा होगा, आगे बात करते हैं। अभी द अमेरिकन वेज के दो फाउंडर थे, रिचर्ड डेविसन और जेवेन एंडल। ये तो शायद नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। दोस्तों इस कंपनी का नाम आगे चलकर एमवे रखा गया, यानी द अमेरिकन वेज कंपनी को नाम बदलकर एमवे रखा गया। और ये दोनों कोई फाउंडर कोई और नहीं था, ये न्यूट्रीलाइट के ही लीडर थे जिन्होंने एमवे कंपनी की स्टार्टिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रीलाइट कंपनी धीरे धीरे ट्रेडिशनल मार्केट में घुसती चले गई, जिसकी वजह से इन दोनों फाउंडरों ने 1972 से लेकर 1994 के बीच में न्यूट्रीलाइट कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया। इसके बाद में एमवे कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई। इसके बाद में बहुत सारी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। अब बात करते हैं भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग। 1996 में एक कंपनी आई थी नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन या प्लान की कमी की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाई और उसे वापस जाना पड़ा। लेकिन 1998 में एमवे कंपनी आई, जिसने एक साल के अंदर अंदर यानी 1999 तक उसने 99 करोड़ का टर्नओवर करके दिखाया। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने लोगों के साथ शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, तो उन लोगों के भी डाउट क्लियर होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।